हर एक CFA कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई श्वेजर से पढ़ना चाहिए या करिकुलम से पढ़ना चाहिए। अगर आप CFA Level 1 कैंडिडेट हो और आपने प्लान कर लिया है कि मुझे इस साल CFA क्रैक करना है, तो बेसिकली अगर मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ डायरेक्टली बता दूं कि श्वेजर से पढ़ना चाहिए या करिकुलम से पढ़ना चाहिए, तो भाई इसका जवाब जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो पूरी सिचुएशन समझना ट्राई करना, डिसाइड करो कि आप कौन सी सिचुएशन में हो, और फिर डिसाइड कर लेना कि आपको जो श्वेजर से पढ़ना चाहिए या करिकुलम से पढ़ना चाहिए, और मेरा क्या ओपिनियन है उस पर भी सुन लेना। अभी रिसेंटली ऑगस्ट के जो भी अटैम्प्ट हुए थे CFA के 2024 के, उसमें मेरा जो स्कोर है वो 90th percentile के ऊपर आया था, और मैंने CFA Level 1 के लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी करी थी, पूरा श्वेजर से पढ़ा था, करिकुलम रेफर किया था। इसके साथ साथ मैंने जो है IFT के रिविजन लेक्चर्स जो है वो एंड में देखे थे, और बेसिकली करिकुलम के जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह है वो सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस पैक्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे, और फिर मैं एग्जाम देने गया। एग्जाम जो है, जितना लोग अज्यूम करते हैं कि CFA का जो पेपर है वो सिंपल आता है, ऐसा होता नहीं है। CFA का जो पेपर है वो एक सेट में, हमारे केस में तो ऐसे हुआ था कि एक सेट जो है वो ईजी आया था, दूसरा सेट जो है वो टफ आया था। तो ऐसे आप अज्यूम करते हो ना कि CFA का पेपर सिंपल है, Level 1 का पेपर है, हल्के में ले लेते हो, बोल दोगे कि पेपर तो बड़ा सिंपल है, ऐसे ही क्रैक कर लेंगे, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो भाई मुझे नहीं लगता आप जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाओगे, आपको जो है वो सेकेंड अटैम्प्ट में बैठना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट में बैठ रहे हो तो 90,000 आप जो है आपके घर वालों के जो पैसे हैं या आपके खुद के पैसे वो आप वेस्ट कर देते हो। तो कोई भी कैंडिडेट ये नहीं चाहता है कि वो जो अपने कैपिटल है, जो 90,000 के जो फीस है उसने पे करी है CFA इंस्टीट्यूट को, वो वेस्ट हो जाए। तो बेसिकली बात करें तो CFA के लिए आप जब भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, श्वेजर, करिकुलम, या फिर अगर बात अलग है कि अगर आप क्लासेस वगैरह का मटेरियल कर रहे हो, क्लासेस के लेक्चर्स कर रहे हो, तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। बट स्टिल श्वेजर तो आपको रिविजन के लिए यूज़ करना ही है। श्वेजर की अगर हम बात करें तो श्वेजर के जो नोट्स है वो कंडेंस्ड है। अब श्वेजर जो है आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि CFA करिकुलम ऐसा ऐसा है। आप ब्रीफ में जो है पूरा CFA करिकुलम श्वेजर के थ्रू पढ़ सकते हो। अगर आप फिनेंस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है फिनेंस का, आपको पूरी चीज़ें पता है, आपको पता है कि बॉन्ड्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फिक्स्ड इनकम कैसी चीज कैसे वर्क करती है, क्या इसमें ऑपरेटिंग मेट्रिक्स होते हैं, कैसे चलता है, ड्यूरेशन क्या होता है, कन्वेक्सिटी क्या होती है, डेरिवेटिव्स में आपको फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह हर चीज़ पता होती है, ऑप्शन प्राइसिंग कैसे होता है, ये सब पता है। इसके साथ साथ इक्विटी की बात करें तो आपको पूरा आइडिया है कि भाई इक्विटी के अंदर चीज़ें कैसे वर्क करती है, ट्रेडिंग कैसे होता है, मार्केट रूल्स क्या होते हैं। अब ये नॉर्मल मार्केट रूल्स नहीं होते, इसके साथ साथ आपको इक्विटी के अंदर वैल्यूएशन भी इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये सब चीज़ों का जो है ऑलरेडी पहले से जो है वो नॉलेज है। तो आप श्वेजर की तरफ जाओ, टाइम बचाओ, श्वेजर से पढ़ लो, बस श्वेजर के जो है वो पढ़ लेना, जो भी आपकी श्वेजर नोट्स है पूरी बुक टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेना, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे बहुत हो जाएगा। लेकिन आप अगर फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो जिसे फाइनेंस के बारे में जो है इतना नॉलेज नहीं है, या फिर जो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करता है, अब जब भी मैं फाइनेंस प्रोफेशनल बोलता हूँ तो मेरा यही मतलब है कि भाई आप जो है वो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो और आपको अच्छा और बड़ा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, तभी आप जो है वो सिर्फ श्वेजर की तरफ जाना। लेकिन भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो चुपचाप आप क्लासेस ले लो, क्लासेस लेना बेटर होगा। नहीं तो फिर अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि सेल्फ स्टडी करनी है तो भाई करिकुलम रेफर करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो श्वेजर में सही से समझाए नहीं गए हैं। सही से समझाए नहीं गए मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत समझाए गए, हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स के अंदर श्वेजर में मैंने देखा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, जैसे कि फिक्स्ड इनकम का कुछ पार्ट था, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का कुछ पार्ट था। तो अब आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ मैं, पूरा ध्यान से सुनना, कि आप श्वेजर रेफ़र कर सकते हो, लेकिन करिकुलम रेफ़र करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास फाइनेंस की जो है वो प्रायर नॉलेज नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो भाई प्लीज़ करिकुलम रेफ़र कर लेना, सिर्फ श्वेजर पढ़ के मत जाना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होगी। अब श्वेजर के अंदर आप कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर डायरेक्ट श्वेजर पढ़ सकते हो, तो आप इक्विटी के अंदर सीधा श्वेजर पढ़ सकते हो, आप डेरिवेटिव्स के अंदर कर सकते हो, बट डेरिवेटिव्स के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ श्वेजर पढ़ के मत जाना, करिकुलम पढ़ना। आई नो करिकुलम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डेंस है, बट स्टिल अगर आप करिकुलम के क्वेश्चंस नहीं करोगे, अगर आप जो है करिकुलम के एग्जांपल्स नहीं करोगे, आप करिकुलम को समझोगे नहीं, तो आपको Level 2 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। मैंने Level 1 के अंदर डेरिवेटिव्स बड़ा हल्के में ले लिया था, मैंने डेरिवेटिव्स बाद श्वेजर से थोड़ा बहुत पढ़ा था, डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट जो है वो इतने हेविली अब्जॉर्ब नहीं किए, और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है मुझे Level 2 में फेस करने पड़ रहे हैं। मुझे डेरिवेटिव्स में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मुझे डेरिवेटिव्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो भले ही आप जैसे तैसे करके श्वेजर पढ़ के Level 1 पास तो कर लोगे, लेकिन फिर आप Level 2 पे अटक जाओगे। तो
तो चीज़ वही है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि भाई CFA प्रोग्राम मुझे कंप्लीट करना है, तो CFA करिकुलम ही पढ़ो। अगर आपके पास पुराना नॉलेज नहीं है, फिनेंस नॉलेज नहीं है वगैरह, कुछ नहीं आता है, तो CFA करिकुलम पढ़ो। देखो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं CFA करिकुलम में, मुझे पता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और इनफैक्ट मैंने जब पूरा करिकुलम से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं सिर्फ, मुझे एक ही चीज़ करिकुलम की पसंद थी, वो है करिकुलम के एग्जाम्पल्स। हर एक टॉपिक के बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दे के समझाए हुए हैं, रियल रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं मुझे करिकुलम के, ये बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। बट टॉपिक, अगर आप करिकुलम देखोगे, तो करिकुलम में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत हेविली एक्सप्लेंड है, और कई कई बार तो एकदम ओशन जैसे टॉपिक्स हैं, मतलब आप डूब जाओगे टॉपिक के अंदर, बट आपको फिर भी टॉपिक नहीं समझ आएगा। तो इसलिए मैं एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। देखो, अगर आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा, तो चुपचाप जाके करिकुलम पढ़ लो। टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो चुपचाप फ्रीजर पढ़ लो। लेवल 1 तो पास हो जाओगे, लेवल 2 के अंदर दिक्कतें चालू हो जाएगी। बट मैं ऐसा ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि लेवल 1 आप पूरा ही पास हो जाओगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेवल 1 के अंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे तो भाई आपके एग्जाम पास होने के अंदर दिक्कत है। अब मेरी स्ट्रैटेजी सुन लो, आप एक काम करो, आप श्वेजर पढ़ लो। श्वेजर के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जब आपको लगेगा कि भाई मुझे जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ नहीं रही है इन टॉपिक्स की, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीधा जाके करिकुलम को खोलो, वही टॉपिक दोनों साथ में ओपन करके रखो, श्वेजर भी ओपन करके रखो, करिकुलम भी ओपन करके रखो। जो टॉपिक में आपको लगता है कि भाई श्वेजर में बिल्कुल अच्छे से समझाया नहीं गया, या मेरे लिए नया टॉपिक है, मुझे कुछ नहीं आता इस टॉपिक के बारे में, तो करिकुलम के एग्जाम्पल्स रेफर करो, करिकुलम रेफर करो, करिकुलम में क्या समझाया वो देखो, एक्सप्लेनेशन आप श्वेजर से पढ़ो। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करिकुलम में दिए होंगे, कुछ कैलकुलेशन करिकुलम में दिए होंगे, तो वो रेफर करो। ऐसे करके आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी, आप समझ भी जाओगे, और करिकुलम वाले जो बड़ा ओशन है उसके अंदर डूबोगे भी नहीं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना, आप श्वेजर और करिकुलम दोनों से पढ़ो। श्वेजर से आप नॉर्मली पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, करिकुलम से आप उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर डीप में जा सकते हो। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ये ज़रूरत पड़ेगी, डेरिवेटिव्स के अंदर आपको करिकुलम की ज़रूरत पड़ेगी, फिक्स्ड इनकम के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर भी ज़रूरत पड़ सकती है। इकोनॉमिक्स तो आपका ईजी है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी आपका ईजी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप करिकुलम थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि श्वेजर के अंदर बहुत ऊपर से कराई गई है चीज़ें। एग्जाम के लिए तो ठीक है, बट आप जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर नहीं कर पाओगे, और फिर आपके ऑटोमेटिक प्रैक्टिस सेट्स के अंदर क्वेश्चंस की जो एक्यूरेसी है वो रिड्यूस होने लगेगी। इनफैक्ट अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कॉन्सेप्ट का, तो बेसिकली एक पेपर के अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर 6 से 7 क्वेश्चन आ गए थे एक सब्जेक्ट के पार्ट के अंदर। तो मैं तो पूरी तरीके से अटक गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई एक एक चीज़ जो है वो तो नए सी एफ ए इंस्टीट्यूट जो है वो पूछ सकता है हमसे, लेकिन वो एक टॉपिक के ऊपर 6 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था, मैं तो एकदम शॉक हो गया था पेपर के अंदर। बाकी क्वेश्चन जो है मेरे पूरे राइट हो गए थे, बस वो एक टॉपिक जो छोड़ा था उसके वजह से मेरा जो स्कोर है एकदम कम हो गया उस सब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, करिकुलम पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, श्वेजर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दोनों अच्छे से पढ़ना। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि श्वेजर आपको नॉर्मली पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, तो श्वेजर आप नॉर्मली पढ़ लो। करिकुलम के एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, करिकुलम के क्वेश्चंस मत छोड़ना, प्रैक्टिस पैक के क्वेश्चन मत छोड़ना। इसके साथ साथ करिकुलम में जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, वो रेफर कर कर जाना, क्योंकि आपको उससे जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, जो आपको जो है वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करेगी, और आपका जो लेवल 2 का बेस है वो भी बिल्डअप हो जाएगा। बट फिर भी अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सोच रहा है कि मेरे पास 1 साल है प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसको करिकुलम ही सजेस्ट करूँगा, करिकुलम से बेटर कुछ नहीं है। अब करिकुलम में एक टॉपिक पढ़ लो, फिर उसके बाद श्वेजर के थ्रू, श्वेजर से ही वो जो टॉपिक है जो आप करिकुलम से पढ़ रहे हो वो गो थ्रू कर लो। ये जो है आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और हाँ, एथिक्स जो है वो करिकुलम से मत पढ़ना, एथिक्स आप जो है वो सीधा श्वेजर से पढ़ सकते हो, करिकुलम में एथिक्स जो है वो टाइम वेस्ट है, बचे हुए सब्जेक्ट्स दोनों रेफर करना। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको जो है वो क्लैरिटी आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर आप CFA कैंडिडेट हो या फिर CFA लेवल 1 के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। इक्विटी रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और अगर आपको चाहिए कि CFA लेवल 1 के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर कोचिंग लेनी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई और CFA लेवल 1 रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके टाइटल टाइप कर देना, और कोशिश रहेगी कि 1 हफ्ते के अंदर वो टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाकर क्रिएट करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।